लेसन 15 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसे हम आरसीएम भी रेफर करेंगे, इस चैप्टर में हम आरसीएम के बारे में यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके की अंडर लाइबिलिटी टू पे टैक्स शिफ्ट हो जाती है सप्लायर ऑफ गुड्स से रेसिपियंट ऑफ गुड्स पे। यानी कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स बाय करे हैं, या फिर कुछ एक अलग केसेस भी हैं लाइक कंपलसरी सर्विसेज के अंडर जो सर्विसेज आती हैं, लॉयर की सर्विसेज हैं, फ्रेट है, या फिर आपने किसी फॉरेन कंपनी से कोई सर्विसेज अवेल करी हैं, तो उस केस में अंडर आरसीएम आपको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, एंड लेटर ऑन आप उसे क्लेम भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आरसीएम के अंडर जो है टैक्स पे करेंगे, देन उसे क्लेम करेंगे, आरसीएम के एंट्रीज आप किस तरीके से एंटर कर सकते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे एंटरिंग आरसीएम ट्रांजेक्शन्स की, कि आरसीएम की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं। आरसीएम की ट्रांजेक्शन्स आप जर्नल वाउचर के थ्रू कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर के थ्रू, परचेस वाउचर के थ्रू, तो डिफरेंट वाउचर्स हैं उनके थ्रू जो आप एंट्रीज कर रहे हैं, एंड कैसे आप उसमें आरसीएम की एंट्री रिफ्लेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जीएसटी नेचर लिया है आरसीएम एक्सपेंस, ऐसे ये हमारा आरसीएम के अंडर वाउचर आएगा। इसमें हमने डेबिट किया है फ्रेट चार्जेस को। फ्रेट चार्जेस हमारे कंपलसरी आरसीएम सर्विसेज के अंडर फॉल करते हैं, यानी कि आपने फ्रेट सर्विसेज ली हैं, चाहे आपने रजिस्टर्ड डीलर से ली हों या अनरजिस्टर्ड डीलर से ली हों, वो सर्विसेज अंडर आरसीएम मैकेनिज्म टैक्स आपको ही डिपॉजिट कराना होगा। तो यहाँ पे हमने फ्रेट अकाउंट को सिलेक्ट किया। मॉडिफाई मोड में जब आप इस अकाउंट को ओपन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका जो जीएसटी टाइप है वो जीएसटी एप्लीकेबल, टैक्स कैटेगरी सर्विसेज 5%, आईटीसी एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज, एंड आरसीएम नेचर इसका हमने लिया हुआ है कंपलसरी, यानी कि इट इज कंपलसरी टू पे आरसीएम जब आप फ्रेट सर्विसेज ले रहे हैं किसी डीलर से। तो ये इस अकाउंट की डिटेल्स है, इस तरीके से ये अकाउंट क्रिएट किया गया है। इसके बाद हम अपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट हमने स्पेसिफाई किया ही है कि जितने अमाउंट से हमने सर्विसेज ली है, एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम एक जर्नल वाउचर पोस्ट करेंगे आरसीएम की एंट्री के लिए। इस वाउचर के अंदर हमने जीएसटी नेचर सेलेक्ट किया है आरसीएम एक्सपेंस, हमने डेबिट किया है सर्वर होस्टिंग स्पेस अकाउंट को, यानी कि हमने सर्वर होस्टिंग स्पेस जो है किसी कंपनी से उस सर्विसेज ली है, रेंट पे ली है या उसकी सर्विसेज ली है। यहाँ पे हम केस डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सर्विसेज हमने ली है ये एक ऐसी कंपनी से ली है जो कि आउटसाइड हमारी कंट्री की टेरिटरी को बिलोंग करती है, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये कंपनी नहीं है, आउटसाइड इंडिया है। इस केस में हम इस अकाउंट को यदि मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं टैक्स कैटेगरी सर्विसेज 18%, आईटीसी एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज, एंड आरसीएम नेचर सर्विस इंपोर्ट। तो सर्विस इंपोर्ट के केस में भी जो रेसिपिएंट है यानी कि हमें जो है गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराना है अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। यहाँ पे हमने क्रेडिट किया कंपनी को एंड सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। तो अभी तक हमने कंपल्सरी सर्विसेज का एंड सर्विस इंपोर्ट का केस डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक परचेज वाउचर एंटर कर रहे हैं, वाउचर सीरीज, डेट, वाउचर नंबर, एंड देन हमने परचेज टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करी है LGST अनरजिस्टर्ड RCM। इस परचेज टाइप को यदि आप मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे इसका टैक्सेशन टाइप अनरजिस्टर्ड RCM लिया हुआ है। ITC एलिजिबिलिटी हमने बताई इनपुट सर्विसेज, यहाँ पे रिवर्स चार्ज के अंडर हमने सिलेक्ट किया है कंपलसरी, एज ये वाउचर हम लीगल काउंसलिंग के लिए एंटर कर रहे हैं कि हमने किसी लॉयर से सर्विसेज ली हैं, तो लीगल सर्विसेज कंपलसरी आरसीएम के अंडर फॉल करती हैं, इसलिए हमने यहाँ रिवर्स चार्ज लिया है कंपलसरी। इसके बाद हमने आइटम सेलेक्ट करी लीगल काउंसलिंग। इस आइटम को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे इसके परचेज अकाउंट में हमने परचेज अकाउंट ना बता के लीगल एक्सपेंस अकाउंट बताया हुआ है। तो इस तरीके से इस आइटम को हमने क्रिएट किया है, अमाउंट बताया, बिल्स अंडर कोई भी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्यू आरसीएम पेबल रिपोर्ट एंड पोस्ट जर्नल वाउचर फॉर आरसीएम पेबल, यानी कि जो भी हमारा आरसीएम पेबल है उसके लिए हम एक जर्नल वाउचर पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक टैक्स लाइबिलिटी जिसे हम कहें वो हम रेस कर रहे हैं। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हम ट्रांजेक्शन जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज इसके अंडर चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल मेन्यू को ओपन करेंगे। बिजी ने पूछा कि आपको मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे चेक करनी है या पोस्ट करनी है कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल रिपोर्ट, हमने यहाँ पर मंथली बेसिस ऑप्शन सेलेक्ट किया।
मंथली बेसिस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये विंडो अपीयर हुई, हमने मंथ सेलेक्ट किया, आप टैक्स अमाउंट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं या नहीं, एंड देन बिजी ने आरसीएम पेबल मंथली बेसिस एक रिपोर्ट शो करी। देखिए, तीन वाउचर्स जो हमने एंटर करे थे, हमने एक फ्रेट चार्जेस के लिए, सर्वर होस्टिंग स्पेस के लिए, एक लीगल सर्विसिंग के लिए, ये हमने जो है वाउचर्स एंटर करे थे, उनकी डिटेल्स बिजी शो कर रहा है। यहाँ पे आप F4 की प्रेस करेंगे वाउचर पोस्ट करने के लिए, यानी कि एक जर्नल वाउचर हमें पोस्ट करना है कंसोलिडेटेड RCM पेबल के लिए। तो F4 की प्रेस करते ही जनरेट कंसोलिडेटेड RCM पेबल वाउचर विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने वाउचर सीरीज बताई, वाउचर डेट बताई, IGST पेबल, CGST पेबल, SGST पेबल, RCM, यानी कि IGST पेबल RCM, CGST, SGST पेबल RCM, ये अकाउंट्स हमने बताए, एंड देन हमने बताया IGST, CGST, SGST, इनपुट अवेलेबल RCM अकाउंट्स, ये सारे अकाउंट्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। IGST, CGST, SGST, इनपुट अवेलेबल RCM अकाउंट्स हैं, ये आपके क्रिएट करे गए हैं अंडर द अकाउंट ग्रुप करेंट एसेट्स, एंड IGST, CGST, SGST आउटपुट RCM अकाउंट्स जो है ये आपके टैक्स अकाउंट्स हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहें, हमने एक टैक्स लाइबिलिटी रेज करी है RCM पेएबल के लिए, और बाद में ये जो हम टैक्स लाइबिलिटी रेज कर रहे हैं इसको हम पे भी करेंगे गवर्नमेंट को, एंड देन हम लेटर ऑन क्लेम भी कर सकते हैं, इस पे इनपुट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जर्नल वाउचर बिजी ने पोस्ट किया, IGST, CGST, SGST इनपुट अवेलेबल RCM अकाउंट्स डेबिट हुए हैं, एंड IGST, CGST, SGST आउटपुट RCM अकाउंट्स यहाँ पे क्रेडिट हुए हैं। वाउचर को सेव करने पर एक रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी विंडो अपीयर हुई, जो कि कंप्लीट डिटेल्स शो कर रही है, RCM नेचर, पार्टी नेम, अकाउंट नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये सारी डिटेल्स शो कर रही है। यहाँ पे आप जनरेट RCM इनवॉइस नंबर बटन को प्रेस करके आप इनवॉइस नंबर जनरेट भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, कंपल्सरी सर्विसेज के अंडर जो RCM इनवॉइस नंबर है वो आपको सप्लायर ही प्रोवाइड करेगा, आप खुद जनरेट नहीं करेंगे। इसके बाद ओके बटन प्रेस किया, बिजी ने पूछा डू यू वांट टू प्रिंट टैक्स इनवॉइस फॉर रिवर्स चार्ज, हमने यस बटन प्रेस किया, एंड ये स्क्रीन पे आप टैक्स इनवॉइस देख सकते हैं रिवर्स चार्ज के लिए, सारी डिटेल्स इसमें प्रोवाइड करी गई है। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं टोटल लाइबिलिटी कितनी थी, लाइबिलिटी पोस्ट कितनी हुई है, ये दोनों ही डिटेल्स बिजी शो कर रहा है। अभी हमने लाइबिलिटी रेस करी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो हमारी लाइबिलिटी बनती है RCM के अंडर, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है, यानी कि टैक्स का अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना है। इसके लिए हम एक पेमेंट का वाउचर ओपन करेंगे, पेमेंट एड ऑप्शन में हम गए, GST नेचर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, GST पेमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पे हमने CGST आउटपुट RCM अकाउंट, SGST आउटपुट RCM अकाउंट, एंड IGST आउटपुट RCM अकाउंट्स को डेबिट किया है, एंड हमने हमारे बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, यानी कि ये एक हमने RCM की पेमेंट करी है गवर्नमेंट को। सेव बटन प्रेस करने पर एक GST पेमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें हम GST पेमेंट टाइप लेंगे RCM पेमेंट, पीरियड एंडिंग बताएंगे जिस पीरियड के लिए हम ये पेमेंट कर रहे हैं, एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब हमने ये जो टैक्स है RCM के अंडर जो हमारा टैक्स बनता है, ये हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। एज हमने पहले भी बताया था कि ये जो टैक्स आप डिपॉजिट कराएंगे, ये आप गवर्नमेंट से क्लेम भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एडजस्टिंग RCM इनपुट टू रेगुलर टैक्स पेएबल, तो हम इसके एडजस्टमेंट की एंट्री डाल रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए हम जर्नल वाउचर में गए, GST नेचर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, GST टैक्स एडजस्टमेंट। इसके बाद हमने CGST इनपुट अकाउंट को डेबिट किया, SGST इनपुट अकाउंट को डेबिट किया, एंड IGST इनपुट अकाउंट को डेबिट किया है। तो ये तीनों ही अकाउंट्स को हमने यहाँ पे डेबिट किया है। इसके बाद हमने CGST आउटपुट RCM, SGST आउटपुट RCM, एंड IGST आउटपुट RCM अकाउंट्स को क्रेडिट किया है। तो इस तरीके से ये एक हमने एडजस्टमेंट की एंट्री करी है। सेव बटन प्रेस करने पर आप देख सकते हैं एक GST एडजस्टमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई है, जिसमें कि GST एडजस्टमेंट टाइप हमने लिया है RCM टू रेगुलर एडजस्टमेंट, एंड पीरियड स्पेसिफाई किया है कि किस पीरियड के लिए ये एडजस्टमेंट हमने करी है। तो इस चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना था कि कैसे आप RCM की ट्रांजेक्शन्स एंटर कर सकते हैं, RCM की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रेस करेंगे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे, एंड देन उसे एडजस्ट करेंगे रेगुलर टैक्स से। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली RCM के एंट्रीज बिजी में एंटर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।